मैं अपना आपको बताऊं या शेयर करूं तो आई वुड से दैट द अमाउंट ऑफ फ्रीडम दैट आई एंजॉय आई डोंट थिंक आई वुड हैव एंजॉयड इन एनी अदर कंट्री हेलो एंड वेलकम टू वन एंड ऑल दिस इज शाइस्ता फातिमा एंड यू आर वाचिंग आज द वॉइस वी आर बैक विद येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ शाइस्ताज पॉडकास्ट एंड टुडे आई हैव विद मी द हेड ऑफ द हिंदी वर्टिकल मिस्टर मलिक असगर हाशमी गर्व the so, सर, welcome to the studio. So, आज हम लोग क्या करने वाले हैं क्या मुझे बताएंगे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अंग्रेजी के शो में हिंदी वालों को बुलाया तो काफी आ रही थी कि हिंदी वाले अंग्रेजी वालों को बिल्कुल भाव नहीं तो, देते हैं तो हमने सोचा और मैं सोच रहा था कि अपने बकरीद के बारे में बताऊं कि मैं जिंदगी की एक नई बकरीद मनाने जा रहा हूं और मैंने प्लान किया है हाँ। कि इस बार मैं बकरीद कश्मीर में ओके ऐसा क्यों ऐसे इसलिए कि यहाँ तो है नहीं मैं तो रहने वाला बिहार का हूँ हाँ। और रहता गुड़गांव में हूँ तो हमारे हाँ। लिए क्या कश्मीर और क्या गुड़गांव बराबर ही है हाँ। तो इस बार हम लोगों ने प्लान किया कि कश्मीर में जा करके चूंकि कश्मीर में बहुत बदलाव आया है हाँ। पिछले तीन सालों में तो हम लोग खुद अपनी आँखों से देखना चाहते पहली बार मैं कश्मीर जा रहा हूँ तो एक वो भी एक तजुर्बा होगा दूसरी बात में कहते हैं कि वहाँ बहुत कुछ शांति हो गई है कुछ नया बदलाव आया है तो मैं उस बदलाव को अपनी नंगी आंखों से देखना चाहता हूँ इसलिए मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ बकरीद बहाना है बस बकरीद बहाना है पर क्या मैं इसमें कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म भी सेंस कर रही हूँ इज इट समथिंग लाइक दैट यू वांट टू रिलेट मोर टू दैट प्लेस एंड यू आर मिसिंग दैट दैट इन नेट सेंस ऑफ बिलोंगिंग हाँ आप मतलब उस तरह से आप देख सकते हैं शायद मेरा भी नजरिया उसी तरीक़े का है कि जब मैं सुनता था कि अनुच्छेद तीन हटने से पहले बड़ा बुरा हाल था और आतंकवादी या पाकिस्तानियों को घुसपैठ कुछ ज़्यादा ही था अब जो है बदलाव जो आया है एक तो एक जो अक्स हालांकि दो तीन सालों में बहुत कुछ नहीं बदलता लेकिन जो अक्स आया है वो मैं अपने वो देखना चाहता हूँ उसके अंदर कि कैसे वहाँ के लोगों में सोच आई बदली है ख़ासतौर से चूँकि नाइन्टी नाइन्टी नाइन परसेंट मुसलमान हैं तो उनको देखना जो है एक अलग तरह का अनुभव होगा उनके जो वो जो बदलते हुए जो लोग हैं उनकी सोच जो है वो कैसे बदल रही है मैं उसको करीब से देखना चाहता हूँ कि हम जब बात करते हैं नहीं कि आप राष्ट्रवाद राष्ट्रवादी हाँ, हैं हाँ। तो वो ऐसे कोई कहे कि मैं राष्ट्रवादी हूँ मैं नेशनलिस्ट हूँ हाँ। तो वो थोड़ा सा ढोंग सा लगता है लेकिन अच्छा। अंदर जो है अंदर का जो राष्ट्रवाद है वो तब दिखता है जब आप कहीं ऐसी जगह पर जाएं आप

के हमारे भी एट्टी परसेंट जो है दोस्त हिंदू हैं ओके okay. ठीक है चूंकि हमारा रहन सहन हमारे अब्बा जो थे वो बिजली भाग में थे यूनियन के लीडर थे हुँ. तो जाहिर सी बात है कि यूनियन में मुसलमान दो होंगे नहीं हुँ. तो गैर मुस्लिम थे तो एक तो हमारा वो उस तरह तो हम उसी तरह से देखते आए हमारा वैसे ही रहा जो दायरा था हमारा वैसे ही रहा फिर हम जहाँ पे रहते हैं मैं बिहार का गया शहर का रहने वाला हूँ वो मोहल्ला है तो एक कोने में मस्जिद है दूसरे कोने में मंदिर है और मैं बीच में रहता हूँ तो हम ज़्यादातर हमारे ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो काली स्थान जो है, मंदिर है वहाँ के तरफ के लोग हमारे भाई के भी दोस्त हैं वहीं के हमारी बहनों के दोस्त जो हैं वो सब उधर किए तो हमारा एक जो है जो दायरा है वो ऐसे ही फिर मैंने हिंदी पत्रकारिता चुन ली तो उसमें भी जो है उसमें मुसलमान बहुत कम है हिंदी पत्रकारिता में तो हमारा जो इस तरह से बॉन्ड हम इस तरह से हुए कि हमने मुसलमान तो मैं हूँ और प्रैक्टिकली भी हूँ और प्रैक्टिसिंग है हाँ, बात ठीक है तो व्यवहारिक रूप से भी मैं उन चीज़ों को देखता हूँ फिर हमारा हमने तो आज तक महसूस नहीं किया कि हमें कोई दूसरी नज़र से देखता हो कि आप मुसलमान हैं और मैं हिंदू हूँ तो मैंने कभी ऐसा फ़र्क नहीं महसूस मैंने किया नहीं कि मुझे कोई इस तरह से देखता हो मैं किसी के अंदर में भी काम किया कोई हमारे अंदर में भी काम कर रहा है और उसमें जाहिर सी बात है बात कि नाइन्टी हाँ। नाइन परसेंट जो है गैर मुस्लिम है और हमें समान रूप से प्यार भी करते हैं इज्जत भी हाँ। देते हैं तो, तो है। मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ मैं चीज़ों को उसी तरह से देखता हूँ जब आप हाँ। कह रहे थे कि अपने कुछ कहानियाँ अभी बातचीत शुरू करने से पहले कह रहे थे कुछ बचपन की कहानियाँ बताइए तो मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को आपके दर्शकों को कि मैं बस जब छोटा सा था तो उसी वक्त बाबरी मस्जिद का मामला हुआ तो एक हम लोग जब हुआ तो हम जो दोस्त थे एक जगह इकट्ठे रात का वक्त था ऐसे ही घर जाने से पहले हम लोग बातचीत करते थे कि कल के बारे में कि कल क्या करना है तो छोटे शहरों में ऐसे होता ही है कि अब इकट्ठा हाँ इकट्ठा हो जाते हैं, हो जाते और हैं हाँ। फिर चले जाते हैं तो हम हमारे हिंदू मुसलमान सारे दोस्त थे जब फिर पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया तो हम लोग बिना किसी कुछ कहे हम लोग अलग हट गए अपने अपने घर चले गए फिर मैं घर जा कर के मैंने सोचा दो मिनट कि हम लोग अलग कैसे चले आए क्यों आए, क्यों आए? फिर मैं गया मेरा दोस्त था विमलिंदु चैतन्य मैं उसके पास गया मैंने कहा कि हम लोग क्यों वापिस आए तो बोले कि आप गए तो मैं भी चला आया तो हम फिर इकट्ठे हुए वहां पे फिर पुलिस वाले आ गए इस बीच में उन्होंने कहा कि मौसम मतलब आप लोग तो सही हैं लेकिन कोई और कुछ कर जाएगा इसलिए घर जाइए घर जाइए तो हम वापस आ गए फिर हम लोगों को लगा कि अगर दिमाग में कुछ ना हो तो कहते हैं खाली घर शैतान का तो चीज़ें हाँ। फिर ऐसी तरह से आती हैं तो हम हाँ। मैं और एक और हमारा दोस्ता बलंद इकबाल हाँ। आज आजकल वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं वो ओके। तो हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और हाँ। मुसलमानों के बीच में काम किया कि कैसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं हाँ। और बाबरी मस्जिद वहाँ से करीब छः सात सौ किलोमीटर दूर है गया से अयोध्या तो हम उससे कोई मतलब नहीं है हमारा हमारी क्या जरूरतें हैं हमारी क्या परेशानी है हमें उसको देखना चाहिए हम कैसे एक दूसरे से मददगार साबित हों तब हम लोगों ने वो काम शुरू किया आज भी वो है लेकिन उस तरह से वो एन काम नहीं कर रहा जैसे पहले करता था सर आ, क्या ये बात फैक्ट है दैट द ऑफ ऑफ इंडिया एज टू अब्रॉड मुझे माफ करिएगा मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, नहीं है नहीं तो हाल फिलहाल मुझे इंग्लिश का ही सहारा लेना पड़ता है, तो इज इट लाइक दैट दैट इंडियन मुजिम्स वेरी मच डिफरेंट फ्राम दी मुजलम्स ऑफ दी अदर कंट्रीज़ ऑफ़ दी वर्ल्ड बिकॉज जैसे कि आपने बोला गया तो आई एम श्योर कि वहाँ के जो रीत रिवाज होते होंगे वो बहुत कुछ सिमिलर मतलब आपने कभी फ़र्क महसूस नहीं करा तो इज़ इट लाइक दैट मतलब आप उसके बारे में कुछ बताएँगे मुझे ने... कुछ कोई ऐसा एक ट्रेडिशन जो हर जगह सिमिलर है और जो अलग करता है इंडियन मुजलम्स को और Uh, के, am I right, right? मुलक, हाँ, के बिल, बिल, बिल। uh, के मुस्लिम से हाँ, so is there one thing? Yeah. आप लखनऊ की आप कि आ, और हम, से हम दोनों मुसलमान भी हैं तो हम वो पता है कि इस्लाम में दो ही त्यौहार हैं जी हिंदुस्तान ईद और बकर बाकी कुछ नहीं है और उसको इद्दत बिद्दत क्या क्या कहते हैं तो वो हम लोग उसपे नहीं जाते लेकिन हम त्यौहार कितने कितने मनाते हैं इतने exactly. सारे बहुत सारे मनाते हैं और है, दिवाली तो मनाते हैं है शबरात है, को हमने दिवाली मना लियाली शबर... yeah, exactly. हाँ. हमने ईद में आपको यकीन ना हो लेकिन हम अपने गुड़गांव में रहता हूँ यहाँ पे हाँ. तो मैं ईद के दिन खास तौर से अपने गेट को फूलों से सजाता हूँ अरे वाह अच्छा वो लोगों को पता चल जाता कि कुछ खास है जरूर इसका इस दरवाजा जो है क्यों फूलों से सजा हुआ है तो चूँकि मैं जहाँ पर रहता हूँ इकलौता मुसलमान हूँ तो लोगों का अचानक ख्याल नहीं आता कि आज ईद है हाँ। लेकिन फिर उनकी जिज्ञासा होती है कि आखिर फूल लगा है इसके दरवाज़ों पे तो कुछ बात तो होगी फिर उनको अचानक ध्यान आता कि अच्छा कहीं ईद तो नहीं है तो फिर जो है लोग आते हैं मिलते भी हैं हम रास्ते में मिलते हैं भी एक हाँ। है दूसरे को तो एक तो मैं कह रहा हूँ कि ईद जो है हमारे यहाँ हाँ। बिल्कुल वैसे ही जब दूसरे मेन त्यौहार मनाते हैं वैसे हम हमने अपना बना लिया है शब बरात में अभी भी मेरे घर आप जाके देखेंगे वो जो बत्तियों के जो है ना रंगीन बत्तियों की झालर जो होते हैं वो हाँ। वो हमने परमानेंट रखा हुआ है हाँ। तो हम शब बरात में भी जला लेते हैं उसी को हम दिवाली में भी जला लेते हैं अब <laughs> दो पंथ एक हम हाँ, वो करते हैं और अभी किसी इसी अभी चूँकि हम हम दोनों आवाज़ वॉइस में काम कर रहे हैं तो आजकल हमारा एजेंडा भी यही है विषय भी यही है तो और हमने लेख भी छापा है कि आखिरी चाशम्बा जो किसी को लोगों को अगर आम लोगों से बात करें तो कहें कि ये क्या होता है कि आखिरी चाशम्बा तो जैसे विश्वकर्मा पूजा हो, होती है यहाँ पर हमारे जो गैर मुस्लिम भाई जो विश्वकर्मा पूजा करते हैं उसी तरीके से विश्वकर्मा पूजा का एक तरीका है आखिरी चाय चाइशंबा आप कहते हैं कि पैगम्बर साहब की तबीयत बहुत एक बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो जब सेहत याब हुए तो कहा गया कि आज वो गसल करेंगे तो जब जहाँ वो रहते थे वहाँ के लोग जब काम करने के लिए औज़ार लेके जा रहे थे लोगों ने कहा कि आप मत जाओ आप आज इतना बड़ा दिन है पैगम्बर साहब सेहत हुए आज गसल करेंगे तो आज आप भी आराम कीजिए और अपना औज़ार धो करके रख दीजिए उसको उसको यहाँ इंडिया में ऐसे ट्रांसलेट कर दिया गया कि जो खास तौर से मैं बिहार के बारे में बात करता हूँ जो आप यूपी की हैं तो आप बता सकती हैं कि वहाँ लोग आखिरी चाशंबा के दिन जिनके लेथ मशीन है या वर्कशॉप है मुसलमान जो हैं वो काम नहीं करते उसको धो लेते हैं सफाई करते हैं मिलाद करते हैं उस पर जो है सो बब्ता दिस इज समथिंग वेरी न्यू टू मी एज वेल बट अगर uh, मैं अपना आपको बताऊं या शेयर करूं तो आई वुड से दैट द अमाउंट ऑफ फ्रीडम दैट आई एंजॉय आई डोंट थिंक आई वुड है वूमन देन बींग बोर्न इन टू अम फैमिल देन बींग अ वुमेन विद एन आइडियोलॉजी विच इज़ नॉट सो कॉमन और विच डज नॉट अलाइन विद द सो कॉल्स स्टॉन्च वर्ल्ड तो मैंने तो बहुत बार क्वेश्चन करा है मेरे ऊपर तो शायद फत में जाटे हो जाते हैं hmm. अगर मैं कहीं और होती hmm. जिस तरीके से मैंने सवाल वगैरह कभी, कभी कभी पूछे हैं तो आई थिंक uh, जितना मैंने uh, यहाँ पे देखा है कि यू नो लाइक वी एक्सेप्ट एवरीबॉडी राइट इंडिया इज वेरी एक्सेप्टिंग आई फील दैट ये सबसे बड़ी बात ये है कि कोई जो है टोकता नहीं है मैं हां exactly. एग्जैक्टली नहीं मैं, राय बहुत देते हैं लोग ये राय तो देते हाँ। हैं मैं मैं ऐसे बताऊं कि हमारे दफ्तर में लोग काम करते हैं और इस्लाम हाँ। में है कि हलाल खाना है यहां हाँ। तक कि अगर आप गोश्त भी खाते हैं तो आप हलाल जानवर का खाइए और मेरे भी रिश्तेदार आपके रिश्तेदार हैं चूंकि पुराने जो लोग हैं उनके कुछ ना कोई रिश्तेदार फंसे गए पाकिस्तान हाँ, में तो exactly. आपके फंसे हमारे भी फंसे हुए तो वहाँ के लोग जब जब कहानी कहते हैं तो उनके कहानी में ये बात कहीं नहीं जुड़ा हुआ है हुँ. जो हमारी कहानी में है उनके कहानी में हालांकि कहते हैं कि आज़ादी से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था लेकिन जो पता नहीं है हवा का असर है या पानी का असर है कि वहाँ के लोगों की सोच बदल गई और हमारी सोच कुछ अलग है नहीं अभी मैं देख रही थी सर साहब ने पाकिस्तान का जिक्र किया तो एक पॉडकास्ट चल रहा है इनका अनवर मकसूद साहब का जिसमें डिजिटेल्स करके है जिसमें ही इज लाइक दैट 14 अगस्त 19 1947 में पाकिस्तान खुला था तो दी कहते हाँ बेटे खुला था बना नहीं था वो <laughs> उसके बाद वो कहते हैं जिना साहब तो एक बार एक साल के बाद ही चल दिए क्योंकि उन्हें पता था मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा इससे अच्छा है, कट लो तो इवन वहां के जो लाइक

<laughs> तो वही है मतलब आई थिंक इंडिया इज एन इमोशन और इंडिया को ऐसे डिफाइन करना या अपनी उसको डिफाइन करना आसान नहीं है नहीं especially. मतलब इंडिया, जो इं, इंडिया और इंडियन का जो जलवा है बाहर में जाके देखिए हाँ। और आपकी बात कर रही थी राष्ट्रवाद की तो हम आपस में तो बहुत चूंकि सौ मसले हैं हमारे हाँ। आपके बीच में विचारों का भी बहुत हाँ। फर्क है हाँ। मतलब मुस्लिम मुसलमान में भी फर्क है और दूसरे में भी फर्क है

पीपल वो स्टेइंग अब्रॉड दे आर लाइक दे वॉन्ट टू स्पीक हिंदी आई थिंक हम अपनी कंट्री को तब मिस करते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं और हमें ये रिलाइज होता है यार हम इंडिया के हैं एंड ये हमारी कंट्री नहीं है एंड वी आर नॉट अलाउड हाँ वो बात अलग है कि हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही आज़ादी हो जाती है कभी कभी हम रूल्स भी ब्रेक करने लगते हैं बट ओवरऑल आई फील दैट बींग एन इंडियन इज is a matter of pride it is an honor jab hum safar kar rahe hote hain बसों में कर रहे होते हैं ट्रेन हाँ। में कर रहे होते हैं तो हमारी आदत होती है हम हाँ। गद्दी हो तो उसको फाड़ देते हैं कहीं यहाँ पर ब्लेड मार देते हैं हाँ।, हाँ तो उसमें क्या होता अब लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रीय संपत्ति इसको नुकसान हाँ। नहीं पहुँचा हाँ। तो मुझे लगता है कोई बात नहीं है अब मैं जैसे आपने कहा तो मैं एक बार नेपाल गया था वो टीम गई थी पत्रकारों की तो मैं भी था उसमें शामिल था और ये तब की बात है जब भूकंप वहाँ नेपाल में आया था तो वो लिखा दिखाने ले गए थे कि पूरा बर्बाद नहीं हुआ है वो कुछ हिस्सा ही बर्बाद हुआ फिर उस दौरान कर भी एक हफ्ते का टूर था हाँ तो लगातार मैं घूमता रहा वहां पे हाँ हम हमने कई चीजें देखी हाँ तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही हैं। तो वहां मेरा राष्ट्रवाद जाग गया बहुत बुरी तरीके से जागा <laughs> कि मैं देख रहा था पेट्रोल पंप वहाँ जो मनी एक्सचेंज हो रहा है वहां पे चाइनीज भी हो रहा है तो कसिनो गया तो वहाँ कसिनो में मैंने देखा आप कसीनो भी हाँ मैं कसिनो गया था वो सरकार ने व्यवस्था करी थी मैं कसिनो भी गया वहां पे तो देखा कि चाइनीज के लिए अलग व्यवस्था थे उनके ट्रांसलेटर अलग थे उनके मनी एक्सचेंज के लिए अलग था सब कुछ था फिर वहीं पे लोगों ने बताया कि चाइना जो है एक हाईवे निकाल रहा है नेपाल के लिए खास तौर से और नेपाल के बच्चों को मेडिकल पढ़ाने के लिए रिजर्वेशन भी दे रहा है चाइना यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाना चाहता है नेपाल हुँ। में हुँ। और हम कहते हैं कि नेपाल मेरा भाई छोटा भाई है और हम हमारे हम, 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 हमारे उनके बीच हाँ, में इस, इस तरह का रिश्ता है कि exactly. वो कभी भी कहीं भी आ सकते हैं हम उनसे पूछते हैं हम भी कहीं जा सकते हैं उनके बीच में लेकिन एक जो चाइना है हम हमारा जो दुश्मन है ख़ास तौर से हमारा विरोधी है तो वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है नेपाल में वो इस तरह से बढ़ा रहा है कि वो वहाँ के बच्चों को मेडिकल में रिजर्वेशन दे रहा है सड़कें बनवा रहा है सब कुछ कर रहा है और कुछ चीज़ें ऐसे हैं मुझे लगा कि शायद जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लोगों को नहीं पता है तो इतफाक कहिए कि वहाँ के जो भारत के राजदूत से राय साहब में उनका तो पूरा नाम याद है नहीं मुझे इतना याद है कि राय साहब है तो वो राय साहब ने ही बुलाया कि आइए आप हमारे यहाँ भी डिनर कीजिए तो हम लोग गए तो मैं मौका निकाल करके बताना चाह रहा था कि मैंने क्या क्या, क्या, -क्या, क्या देखा मेरे अंदर हाँ, ऐसा था हाँ ऐसा लग रहा था एक हाँ, तरह से मैं राष्ट्रवाद मेरा वहां जागा वो भयंकर रिंग लगता है मैं बताऊ किसी तरह से अच्छा हमारे साथ जो है वो नेपाल के जो थे वो गवर्नमेंट के लोग थे वो मैन टू मैन मार्क कर रहे थे कि वो हम किसी से जाकर कैसे बात ना करें फिर भी मैंने मौका मिल जैसे ही मिला मैंने राय साहब को पूरी बात बताई की ऐसे 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 जो थोड़ा मुस्कुराए फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी कुछ जानता हूँ जाहिर सी बात जानते भी होंगे oh, पर right. मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे yeah. बताना है इनको बहुत, बताना जरूरी, बहुत है। जरूरी है ये हमारे देश के खिलाफ यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा exactly. है तो आप देखिए तो राष्ट्रवाद जो है ऐसे हम तब दिखा जाते हैं जब मुझे लगता है कि आज मुझे एग्जैक्टली वो एकदम से आता है सो व्यूअर्स दैट वॉज ऑल फॉर टूडे बट आई थिंक द कंक्लूजन